हेलो एवरीबडी, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन. बेटा, दिस इज नरेंद्र कौर, योर कंप्यूटर एंड जीके टीचर ऑन द बिहाफ ऑफ पैरामाउंट पब्लिक स्कूल. बेटे, टुडे आई एक्सप्लेन यू चैप्टर फोर्थ. ओके, दिस इज अ सेकेंड वीडियो ऑफ चैप्टर फोर्थ एंड इन दिस वीडियो बेटा आई एम यूजिंग हिंदी एज वेल एज इंग्लिश. सो लेट वी स्टार्ट. टुडे बेटा आई एक्सप्लेन यू द स्पेशल कीज ऑफ द कीबोर्ड. कीबोर्ड की जो स्पेशल कीज होती हैं वो कौन कौन सी हैं एंड हाउ इट्स वर्क, ये कैसे काम करती हैं. फर्स्टली बेटे, स्पेस बार. दिस इज अ स्पेस बार. स्पेस बार यूज टू ऐड द ब्लैंक स्पेस बिटवीन द लेटर्स, बिटवीन द वर्ड्स और नंबर्स. इट इज द लॉन्गेस्ट की ऑन द कीबोर्ड. ये कीबोर्ड की सबसे लॉन्गेस्ट की है. इज दैट क्लियर? स्पेस बार यूज टू एड द ब्लैंक स्पेस. नाउ आई एक्सप्लेन यू कैसे होएगा ये. ठीक है, जो स्पेस बार है बेटे वो ब्लैंक स्पेस के लिए यूज होती है. जैसे मैंने यहां पे टाइप किया, कुछ भी आप टाइप कर सकते हो. कंप्यूटर इज एन. ओके, आई एम टाइपिंग यूजिंग स्पेस. लेकिन अब जब मैं यहां से स्पेस हटा दूंगी, ठीक है, स्पेस जब हम निकाल देंगे तो यू कैन सी दिस इज बेटा सिंगल वर्ड. आपको ये सिंगल वर्ड दिखा रहा है. दिस इज नॉट मीनिंगफुल. आपको इसको पढ़ने में कितनी दिक्कत हो रही है. ठीक है, नाउ आई एम यूजिंग स्पेस बार. अभी आप देखोगे कि स्पेस बार जब स्पेस यूज करते हैं तो क्या होता है. अब मैं यहां पे करूंगी स्पेस. ओके, तो दिस इज अ मीनिंगफुल. अभी आपको दिखाई दे रहा है तो आप कह सकते हो स्पेस बार यूज टू एड द ब्लैंक स्पेस. यहां पे हमने खाली स्पेस छोड़ी है किस लिए? बिकॉज ऑफ इट्स इजी टू रीड, ताकि आपका जो टेक्स्ट है वो रीड हो जाए इजीली. तो यहां पे सेम एग्जाम्पल है, जैसे नेशनल वर्ड है विदाउट स्पेस ऐसे दिखाई देगा एंड आफ्टर स्पेस नेशनल वर्ड मीन्स इट्स अ मीनिंगफुल. आई होप यू अंडरस्टैंड. नेक्स्ट इज बेटा एंटर की. एंटर की इज यूज टू मूव द कर्सर टू द नेक्स्ट लाइन. इससे हम क्या करेंगे, जो कर्सर है हमारा नेक्स्ट लाइन में मूव हो जाएगा. देयर आर टू एंटर कीज फाउंड ऑन द स्टैंडर्ड कीबोर्ड. देयर आर ऑफ डिफरेंट शेप्स. आप देखोगे बेटे जो आपका कीबोर्ड होता है उसमें टू एंटर कीज होती हैं, ठीक है, और उनकी जो शेप होती है वो भी डिफरेंट होती है. तो ये तो था उनके बारे में कि कितनी कीज होती हैं एंटर कीज कीबोर्ड में. हाउ मेनी कीज आर देयर? टू कीज आर प्रेजेंट ऑन द कीबोर्ड. देन व्हाट इज द वर्किंग ऑफ द एंटर की? सपोज बेटे आई एम टाइपिंग हियर. ओके, नाउ आई वांट टू मूव द कर्सर. दिस इज अ कर्सर. ओके, मूव द नेक्स्ट लाइन. अगर मैं अभी कर्सर को नेक्स्ट लाइन में मूव करना चाहती हूँ, देन हाउ इट्स पॉसिबल? यूजिंग द एंटर की. नाउ आई एम प्रेस द एंटर की. तो आप देखोगे जो कर्सर है वो नेक्स्ट लाइन में चला गया है और अभी मैं उसको नेक्स्ट लाइन को टाइप कर सकती हूँ. अभी मैंने दोबारा कर्सर को नेक्स्ट लाइन में मूव करना है, देन प्रेस एंटर अगेन. इज दैट क्लियर? सो दिस इज द वर्किंग ऑफ एंटर की. नेक्स्ट बेटे, कैप्स लॉक की. अ कैप्स लॉक की इज यूज टू टाइप द लेटर इन द कैपिटल और अपर कीज. जो कैप्स लॉक की है बेटे वो जो जब आप टाइपिंग करते हो सम टाइम यू नीड द कैपिटल लेटर्स. आपको कई बार क्या होता है कैपिटल लेटर्स को टाइप करने की जरूरत पड़ती है, दैट टाइम यू कैन यूज इट कैप्स लॉक. इन द ऑर्डर टू यूज दिस की यू नीड टू टर्न इट ऑन. ठीक है, तो इसको आप कैसे कर सकते हो? तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका जो यूज है कैप्स लॉक की का यूज है. व्हाट इज द यूज ऑफ कैप्स लॉक की बेटे? टाइप द कैपिटल लेटर्स. सबसे पहले आपको कीबोर्ड से इसको ऑन करना पड़ेगा. नाउ आई एम ऑन द कैप्स लॉक की फ्रॉम द कीबोर्ड. यू कैन सी हियर बेटे ये लाइट जब मैं ऑफ करती हूं तो लाइट बंद हो गई है. नाउ जब मैं इसको कैप्स लॉक की को ऑन करूंगी, यू कैन सी लाइट इज ऑन. मीन्स नाउ कैप्स लॉक इज ऑन. Now I'm typing the letters like I'm typing a computer. Okay, तो आप देखोगे computer जो है वो capital letters में, capital order में, upper case में type हुआ है. So you can say that the use of
caps lock key is a why we use for typing the capital letters. Is that clear? तो इसको पहले टर्न ऑन करना पड़ेगा. जैसे विदाउट कैप्स लॉक, जब आप कैप्स लॉक ऑन नहीं करोगे तो आपको सारे लेटर्स जो हैं स्मॉल दिखाई देंगे. ठीक है, दीज आर नॉट इन अपर केस, लोअर केस में दिखाई देंगे. व्हेन यू प्रेस तो आपको सारे लेटर्स जो हैं वो कैसे दिखाई देंगे, अपर केस. गॉट इट. नेक्स्ट इज बेटा एरो कीज. एरो कीज आर प्रेजेंट ऑन द कीबोर्ड. दीज आर बेटा एरो कीज. ओके, एरो कीज 1 2 3 4 अप डाउन लेफ्ट राइट. दे आर 4 एरो कीज प्रेजेंट ऑन द कीबोर्ड. ओके, दीज कीज आर यूज फॉर अप एंड डाउन लेफ्ट एंड राइट द पोजिशन ऑफ द कर्सर. ठीक है, यू कैन से दैट इन द अनदर वर्ड वी कैन से दैट वी कैन ऑल्सो कॉल्ड इट अ कर्सर कंट्रोल की. तो जो अप साइड है बेटा, द अप एरो की यूज टू मूव द कर्सर अप साइड. ओके, डाउन एरो की यूज टू मूव द कर्सर डाउन साइड. लेफ्ट एरो की यूज टू मूव द कर्सर लेफ्ट साइड. एंड राइट एरो की यूज टू मूव द कर्सर लेफ्ट साइड, सॉरी राइट साइड. इज दैट क्लियर बेटे? हां जी. नाउ दिस इज अ बैक स्पेस की. ओके, एवरी टाइम यू प्रेस दिस की the character type left to the cursor is erased. जब भी आप इसको टाइप मतलब प्रेस करते हो तो क्या होएगा, जो आपकी लेफ्ट साइड का character है letter है that is a erased that time. I give you example. देखो जहां पे अभी मैंने यहां पे computer type किया है. Now I'm typing computer here. Now I'm pressing backspace. अभी मैं जब backspace की को press करूंगी आप देखोगे लेफ्ट साइड से करेक्टर इरेज हो जाएगा. आर इज रिमूव्ड ना, इरेज्ड. ओके, नाउ ई टी. तो मतलब आप देख सकते हो कि लेफ्ट साइड से इस साइड आपका माउस पॉइंटर जा रहा है, तो लेफ्ट साइड से जो आपके लेटर्स हैं वो इरेज्ड होना शुरू हो जाएंगे. इज दैट क्लियर? नाउ इन दिस एग्जांपल बेटा, बिफोर बैक स्पेस यहां पे कंप्यूटर्स जेड जेड टाइप किया है. अब जब आप जेड को इरेज करना चाहते हो तो आप बैक स्पेस प्रेस करोगे तो यू कैन सी हेयर देर इज नो जेड, जेड इज नॉट शोइंग हेयर. तो मतलब जेड लेफ्ट साइड से इरेज हो गया है. आई होप यू अंडरस्टैंड बेटा स्पेस की, एरोस कीज, एंटर कीज एंड बैक स्पेस की. इन द नेक्स्ट वीडियो आई एक्सप्लेन यू अदर कीज. सो थैंक यू.